कहते हैं मनुष्य के ऊपर विपत्ति आने का पहला कारण वो स्वयं होता है। जब उसके मन में अत्यधिक लालच आ जाए या किसी के प्रति उसकी आसक्ति बढ़ जाए या वो किसी बात को लेकर क्रोध के वशीभूत हो जाए तो समझ लेना उसे विपत्ति में पड़ना तय है। कभी कभी मूर्खतावश वो सिर्फ लोभ को ही देखता है, उसके पीछे जो संकट होता है उसकी ओर ध्यान नहीं जाता। जैसे मछली कांटे में फंसे अपने आहार को ही देखती है, कांटे के बारे में नहीं सोचती। जैसे चूहा रोटी खाने के लालच में पिंजरे में तो घुस जाता है पर निकल नहीं पाता। मूर्ख व्यक्ति सिर्फ लालच देखता है और बुद्धिमान लालच भी देखता है और उसके पीछे बैठे संकट को भी देख लेता है। यही कारण है कि बुद्धिमानों की अपेक्षा मूर्ख अधिक नाश को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य कार्य और उसके परिणाम को पहले ही समझ लेता है वो बुद्धिमान है। इस संबंध में मैं आपको एक बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको मुसीबत में पड़ने से बचाएगी। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में वीडियो की समाप्ति तक। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है, किसी जंगल में एक शेर रहता था। धीरे धीरे शेर बूढ़ा होता चला गया। अब तो उससे दौड़कर भी शिकार नहीं होता था। जानवर उसे चकमा देकर भाग जाते थे। उसके सामने जीविका का सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया था। और कहते भी हैं जिस जगह जीविका का संकट आ जाए, राजा विरुद्ध हो जाए, वेद पाठी धनी हो, वैद आचारवान ना हो, सभासद पक्षपात करने वाले हो, तो उस जगह या देश को तत्काल त्याग देना चाहिए। यही सोचकर शेर उस जंगल को त्याग कर एक नगर के निकट एक तालाब के पास आकर रहने लगा। वहीं पास से ही एक रास्ता गुजरता था जहां से मनुष्य लोग आते जाते थे। शेर ने सोचा, जानवर तो मेरे बस में आएंगे नहीं, क्यों ना भोले भाले मूर्ख और लालची मनुष्यों को अपना शिकार बनाऊं। शेर कहीं से एक सोने का कंगन ढूंढ लाया। वो जानता था कि इस कंगन को देखकर लालची लोग मेरे पास खुद पर खुद चलकर आएंगे, जैसे दीपक की रोशनी देखकर पतंगा स्वयं चलकर आता है। इसी प्रकार मनुष्य इंद्रियों के वशीभूत होकर हित अहित का विचार किए बिना ही मृत्यु के मुंह में चला जाता है। विद्वान लोग कहते हैं कि वैसे तो पूरी तरह से इंद्रियों को रोक पाना मुश्किल है, लेकिन उन्हें बिल्कुल खुली छोड़ देने से देवताओं का भी नाश हो जाता है। मनुष्य क्या चीज है? शेर ने एक ही स्थान पर बैठे बैठे भोजन जुटाने का उपाय ढूंढ निकाला। जब भी कोई मनुष्य उस रास्ते से गुजर के आता था, शेर उसे सोने का कंगन दिखाकर कहता, लो भाई ये किसी का सोने का कंगन गिर गया है, ले जाओ, ये मेरे किसी काम का नहीं। जो लोग समझदार होते थे वो शेर के स्वभाव को अच्छी तरह समझते थे, वे तो वहां से भाग जाते थे, और जो लालची होते थे वे लालचवश शेर के पास चले जाते थे और शेर पकड़कर उनका निवाला बना लेता था। इसी तरह से वो अपनी जीविका चलाता था। मित्रों, एक बात ध्यान रखना, जो धन अत्यंत घोर कलेश उठाने से प्राप्त हो, धर्म का उल्लंघन करने से प्राप्त हो, शत्रु के सामने सिर झुकाने से प्राप्त हो, उस धन में कभी आसक्ति ना बढ़ाएं। वो धन आपको हमेशा दुख ही देने वाला होता है। मित्रों, एक दिन की बात, रोज की तरह शेर हाथ में कंगन लेकर बैठा हुआ था और रास्ते की ओर देख रहा था। तभी उसे हष्टपुष्ट आदमी आता हुआ दिखाई पड़ा। आदमी को देखकर शेर बड़ा खुश हुआ। वो जोर जोर से चिल्लाता हुआ बोला, अरे भाई तुम कौन हो? ये देखो मेरे हाथ में सोने का कंगन, यही रास्ते में पड़ा मिला था, कहीं आपका तो नहीं गिर गया? यदि आपका है तो ले जाओ। सोने का कंगन देखकर पथिक ललचा गया, सोचने लगा, मैं तो वैसे भी गरीबी से तंग आकर परदेश के लिए जा रहा हूं, यदि ये कंगन मुझे मिल जाए तो मेरा काम यहीं पर बन जाएगा। कहते हैं जैसे दांतों के बिना सांप, मद के बिना हाथी का कोई औचित्य नहीं, उसी तरह धन के बिना पुरुष नाम मात्र का ही पुरुष होता है। जिस तरह वन में पैदा होने वाले तिल और जौ नाम मात्र के ही होते हैं, उनसे काम नहीं चलता, उसी तरह निर्धन पुरुष को समझना चाहिए। कहते हैं यदि गरीब व्यक्ति में सारे गुण हों भी तो भी वे शोभा नहीं पाते। जो लोग धनहीन होने पर मांगकर खाते हैं, उनके लिए कहा गया है कि एक सूखे कीड़ों से खाए हुए वृक्ष, आग से चारों ओर से जले हुए वृक्ष और ऊसर में खड़े हुए वृक्ष का जन्म अच्छा है, पर मांगने वालों का नहीं। गरीब आदमी
अगर उपकार करने भी आया हो तो भी लोग उसे छोड़कर चले जाते हैं। कहते हैं, बदकिस्मती का मारा हुआ गरीब यदि यतन करके सबसे आगे खड़ा भी हो जाए तो भी कोई उसे नहीं देखता। गरीबी मनुष्यों के लिए अत्यंत अपमानकारी दुख है। उसके सगे रिश्तेदार भी उसे जीते जी मरा मानते हैं। यदि धन को ले जाने में मेरी मृत्यु भी हो जाए तो भी ठीक है। यदि मिल गया तो स्वर्ग है और मर गया तो गरीबी के नरक से छूट जाऊंगा। विद्वान लोग कहते हैं, जब तक मनुष्य विपता नहीं उठाता तब तक धनवान भी नहीं बन सकता। उसने देख तो लिया कि सोने का कंगन शेर के हाथ में है। शेर के पास जाने का अर्थ है मौत के मुंह में जाना। एक बात सच है मित्रों, मूर्ख लोभी क्रोधी कामी अपने नाश के बारे में नहीं सोचते। लालची व्यक्ति बोला, हे शेर महोदय, यदि मैं तुम्हारे पास आया तो मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाओगे? क्योंकि कहते हैं, शत्रु से तो दूर रहना ही चाहिए, पर जो स्वभाव से शत्रु हो उससे तो बहुत दूर रहना चाहिए। शेर बोला, नहीं नहीं महोदय, मुझ पर विश्वास करो। मैंने अपनी जवानी में हजारों प्राणियों को मारकर बहुत पाप कर लिए। अब मैं उन पापों का प्रायश्चित करने के लिए इस तालाब किनारे आकर बैठा हूं। यही बैठकर मैं हर रोज साधना करता हूं। मेरा परिवार पत्नी और बच्चे जंगल में आग लगने से जलकर मर चुके हैं। इस संसार में मैं बिल्कुल अकेला हूं। अब मुझे समझ आ चुका है कि थोड़ा सा बचा हुआ जीवन भगवान का भजन करके व्यतीत कर लूं, कम से कम मेरा अगला जन्म तो सुधर जाएगा। मैं रोजाना इस तालाब में स्नान करके एक शुभ कर्म रोज करता हूं। आज मुझे ये कंगन पड़ा मिला तो मैंने सोचा कि ये कंगन किसी गरीब को देकर पुण्य कमा लूं। क्योंकि कहते हैं, ये शरीर अनित्य है, धन हमेशा नहीं रहता, मृत्यु हर रोज पास में आती जा रही है, इसलिए धर्म का संचय करना चाहिए। जिनके दिन दान और धर्म के बिना निकल जाते हैं उनका जीवन लोहार की उस धौंकनी की तरह होता है जो सांस तो लेती है पर उसमें जीवन नहीं होता। धर्महीन मनुष्यों की रचना केवल मलमूत्र त्यागने खाने और दूसरों की सेवा के लिए ही हुई है। जैसे गाय भैंस बैल बकरी घोड़ा ऊंट आदि। शेर बोला, हे मानव, सत्पुरुषों ने अहिंसा को ही धर्म की जड़ कहा है। सत्पुरुष लोग मक्खी मच्छर जू और खटमल की भी कभी हिंसा नहीं करते। जो निर्दयी मनुष्य हिंसक प्राणियों का भी वध करता है वो घोर नरक में पड़ता है। यदि वो सीधे साधे प्राणियों को मारता है तो उसके नरकों की कोई गणना नहीं है। शेर के मुख से धर्मोपदेश सुनकर उस लालची मनुष्य को शेर पर विश्वास हो गया। वो डरते डरते शेर के निकट गया। शेर उसे अपनी ओर आते देखकर मन ही मन प्रसन्न होने लगा। इधर वो युवक शेर से कुछ दूर खड़ा होकर बोला, हे सिंहराज, लाओ मुझे वो कंगन दे दो। शेर जानता था कि अभी वो उसकी पहुंच से दूर है, वो उसे पकड़ नहीं सकता, इसलिए वो बातें बनाते हुए बोला, हे युवक, ये कंगन तुम्हारा ही है, पहले तुम इस तालाब के पवित्र जल में स्नान कर लो, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि दान पवित्र होकर और पवित्र हाथों में ही देना चाहिए। भोला भाला मनुष्य शेर की इस चाल को नहीं समझ पाया। वो लालचवश झट से उस तालाब में घुस गया, पर उसे नहीं पता था कि तालाब में पानी कम दलदल ज्यादा है। वो मूर्ख आदमी उस कीचड़ में फंस गया। बहुत प्रयास करने पर भी जब वो नहीं निकला तो शेर खुश होता हुआ बोला, अरे भाई, तुम तो उस कीचड़ में फंस गए। कोई बात नहीं, लाओ मैं तुम्हें निकाले देता हूं। इतना कहकर शेर धीरे धीरे दलदल में उस फंसे हुए आदमी को अपने जबड़ों से पकड़कर खींच लाया। अब वो पूरी तरह से शेर की पकड़ में था। वो भी समझ चुका था कि शेर की बातों में आकर उसने बहुत बड़ी भूल कर दी है। विद्वान लोग कहते हैं कि नदियों का, शास्त्रधारियों का, नाखून वाले प्राणियों का, सींग वाले पशुओं का, कुटिल स्त्रियों का, राजा के परिवार वालों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। इन लोगों की मित्रता और बैर दोनों ही हानि पहुंचाने वाले होते हैं। मित्रों, मूर्ख मनुष्य को सही बात विपत्ति में पड़ने पर ही पता चलती है, बुद्धिमान लोग उसे पहले ही समझ जाते हैं। इस प्रकार उस भूखे शेर ने उस आदमी को अपना निवाला बना लिया। मित्रों, कहानी का तात्पर्य यह है कि दुष्ट पुरुष कभी अपने स्वभाव को नहीं भूलते। उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में, उनके द्वारा दिखाए गए प्रलोभनों में कभी नहीं आना चाहिए। मित्रों, यदि इस वीडियो के विचार आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं अगली बार नई वीडियो में नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।